23 मई को आगरा के बोदला स्थित सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्रुत स्कंद विधान का शुभारंभ हुआ। संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में यह आयोजन किया जा रहा है। संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज संघ के मंगल सानिध्य में सेक्टर 7 मंदिर समिति के सौजन्य से श्रुत स्कंद विधान का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन आगरा के बोदला स्थित सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 23 मई को विधि विधान के साथ शुरू किया गया। विधान के प्रथम दिन का शुभारंभ इंद्र इंद्राणियों ने विधानाचार्य राकेश जैन शास्त्री के कुशल निर्देशन में मंत्रोच्चारण के साथ जिनेन्द्र प्रभु के समक्ष मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर श्रुत स्कंद विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इस दौरान सेक्टर 7 सकल जैन समाज ने आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही सौभाग्यशाली महिलाओं ने मां जिनवाड़ी को मंडल पर विराजमान किया। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज सेक्टर 4 से मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य श्री सानिधि में आज 3 दिन का 24 तारीख को महावीर विधान होगा। पाचनावन और सत पंचमी महोत्सव सब मनाया जा रहा है। सेक्टर 7 जैन मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और आचार्य श्री के सानिध्य में भव्य अगवान की और पाठ प्रसंग किया आरती वगैरह की बड़े धूमधाम से। इस अवसर पर आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री ने विधान के बारे में जानकारी दी। बड़ा हर्ष का विषय है कि आचार्य सौरभ सागर जी महाराज बगदाद से प्रवेश करते हुए आगरा की विभिन्न शैलियों में होते हुए धर्म की अलख जगाते हुए आज सेक्टर 7 में विराजमान है। उनके सानिध्य में महावीर विधान स्कुति स्कंद विधान चल रहा है और यहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आचार्य श्री की प्रवचन शैली इतनी प्रभावित करती है कि बिल्कुल दिलों और दिमाग पर उतर जाती है। युवाओं को बहुत अच्छा लगता उनका ये प्रवचन और आगरा समाज को धन्य हो गई कि करीब 25 दिन से आचार्य श्री आगरा नगर में भ्रमण कर रहे हैं और विभिन्न शैलियों में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सेक्टर 7 जैन मंदिर में आयोजित हो रहे श्रुत स्कंद विधान का समापन 24 मई को होगा। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।